हे गाइस, व्हाट्स अप। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के शायद मार्क्स ग्रेड 9 में काफ़ी अच्छा आएंगे और वो एक एक्सपेक्टेशन से ग्रेड 10 में जा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स ग्रेड 9 में इतना खास नहीं आया हो, किसी भी सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट्स में या कुछ सब्जेक्ट्स में, और वो भी एक एक्सपेक्टेशन से ग्रेड 10th में जा रहे होंगे। तो ये जो सेशन है, जो सिर्फ 5 से 7 मिनट का होने वाला है, ये आपको ये बताएगा कि भाई साहब क्या सही है क्या गलत, जो आप सोच रहे हो क्या वैसे होने वाला है, क्या आपका 9th काफ़ी अच्छा गया तो 10th भी काफ़ी अच्छा जाएगा, क्या अगर आपका 9th बर्बाद हुआ है तो क्या 10th भी बर्बाद होगा। ये सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक रहेगा। और अगर ये सच्चाई आपको आपके दिल को छूती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और कमेंट्स में बता के जाना कि हाँ सर, मैं इस कैटेगरी का बच्चा था और मैं अब ये करने वाला हूँ ताकि 10th में फोड़ पाऊँ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो 9th ग्रेड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, 9th ग्रेड में आपने अच्छा किया, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 6th, 7th, 8th ग्रेड के टॉपिक्स और 9th ग्रेड के टॉपिक्स सिमिलर हैं और आपने काफ़ी अच्छे से फोड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब 10th में भी आपको कुछ चीज़ें कंटिन्यू करनी है। वो क्या है, 9th ग्रेड में आप कैसे फोड़ पाए होंगे, क्योंकि 9th ग्रेड जो है टॉपिक वाइज डिफिकल्टी लेवल 10th ग्रेड से ज़्यादा होती है। हाँ जी, 9th ग्रेड के टॉपिक्स 10th ग्रेड से ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो आपने कैसे फोड़ा 9th में, आपने इसलिए फोड़ा क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, आप कंसिस्टेंट थे, साल के शुरुआत में पढ़ रहे थे, जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आप ध्यान दे रहे थे, आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम रखा, आपने खेला कूदा भी, आपने इंजॉयमेंट भी किया और दिमाग को ठंडा भी रखा और आपने अच्छे से पढ़ाई की। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने 9th ग्रेड में अच्छा किया हो। 10th में अगर आप यही रीजंस को पकड़ कर आगे बढ़ते हो तो भाई 10th भी आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, जो मैंने बोला, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन 10th में आकर बोर्ड एग्जामिनेशन का नाम सुनकर डर जाओगे, स्ट्रेसफुल हो जाओगे, तो फिर पूरी काया पलट जाएगी। आप डिस्ट्रैक्शंस पूरा बंद कर दोगे, बाहर जाना बंद कर दोगे, मेंटल स्ट्रेस लेना शुरू कर दोगे, सिर्फ पढ़ाई करते हुए बैठे रहोगे, स्ट्रेस लेने लोगे, टेस्ट में मार्क्स कम आ जाए तो स्ट्रेस हो जाओगे, पैरेंटल प्रेशर की वजह से डूब जाओगे, फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से डूब जाओगे, टीचर्स के प्रेशर की वजह से डूब जाओगे, रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से डूब जाओगे, तो भाई कोई बचाने आपको नहीं आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो 9th में मेरी नैया पार करवाया था, वही आदतें मेरे 10th में नैया पार करवाएंगे। कुछ ऐसे आदतें होंगे जो आपको निकाल बाहर फेंकना है, जैसे प्रोकेस्टिनेशन। 9th में साल के एंड में ही पढ़ लो, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होता तो आप आगे जाके पढ़कर मार्क्स भी कमा लेते हो, 10th में ऐसा नहीं होगा। 10th में आपको शुरुआत से पढ़ना है, ये जस्ट सिर्फ एक एग्जांपल है और मैंने प्रोकेस्टिनेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो लिया हुआ है जो आपके 10th बर्बाद कर सकता है, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, तो 9th का और 10th का एटीट्यूड सिमिलर होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 10th का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है इस सोसाइटी में, वो प्रेशर जो है आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप तैयार हो, आपने पिछले 9 साल से हर साल 4 से 8 एग्जामिनेशंस दिए हैं, आपको कोई मार्क्स स्कोर करने से या नॉलेज गेन करने से रोक नहीं सकता, सिर्फ एक इंसान रोक सकता है और वो आप खुद हो बेटा, ध्यान रखें हमेशा। अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जिन्होंने 9th में अच्छा ना किया हो, जिनके मार्क्स कम आए हो, तो बेटा ध्यान से सुनो, 9th और 10th में टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। 9th के अगर सिर्फ हम फिजिक्स चैप्टर उठाएंगे तो होता है आपका मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड। 10th के सिर्फ अगर हम फिजिक्स के चैप्टर्स उठाएंगे तो आपको मिलते हैं लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये 4 चैप्टर्स होते हैं। आपको दिखेगा कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि 9th के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए, आप मार्क्स नहीं कर पाए, तो 10th में भी ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात सही होती है फिजिक्स के लिए, ये बात सही होती है आपके केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत और बायोलॉजी के लिए बहुत कम। और अगर मैं SST की बात करूं तो डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो पूरा ही डिफरेंट है, लेकिन ग्रामर सेम होगा आपके 9th और 10th में और लोअर ग्रेड्स में। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तब भी 50% डिफरेंस आपको यहां पे दिखेगा और बाकी तो नहीं रहेगा। तो बेटा यही मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक था तो आपको पता है कि इस साल कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करनी चाहिए, आप उस किताब को खरीदें, पलट कर देखें चैप्टर्स, आप देखें क्या ये वही चैप्टर्स है, क्या वही टॉपिक्स है जिनमें आपने 9th ग्रेड में कम मार्क्स कमाए थे, देखिए और परखिए। अगर नहीं है वो चैप्टर्स तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो 10th में, फिर सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ध्यान से देखकर पढ़ो, क्योंकि अगर सारी चीज़ें नहीं हैं तो हर एक बच्चे के लिए सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे हो, हर एक बच्चा सेम पॉइंट से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहा है,
तो आप भी उस रेस में फर्स्ट आ सकते हैं। अगर मान लो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आपको पता है कि मेहनत ज़्यादा करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाइन्थ बर्बाद हो गया, नाइन्थ में मार्क्स कम आ गए तो टेंथ में नहीं आएंगे। आप देखना, आप जाइए, मुझे आज भी इतने सारे ईमेल्स आते हैं, मैं एक ईमेल यहाँ पे लगा दूंगा, सर क्लास नाइन्थ में मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे टर्म वन में, लेकिन टर्म टू में मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू किया तो सर मेरे मार्क्स अच्छे हो गए, मैंने टॉप किया साल के एंड में। तो बस उस नाइन्थ के ही ड्यूरेशन में एक बच्चा जब फेलियर से टॉपर बन सकता है, तो भाई टेंथ पूरा एक नया साल है भाई, पूरा एक साल है आपके पास। और मैं कहता हूँ हर सेकेंड काया पलट सकती है, हर सेकेंड जिंदगी बदल सकती है, जज्बात बदल सकते हैं, आपका मंजिल आप तक पहुंच सकता है। तो बेटा याद रखना, नाइन्थ बर्बाद इज नॉट इक्वल टू टेंथ बर्बाद, बट इफ यू थिंक इन योर माइंड कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जिंदगी को ललकार कर ये कह दिया कि आज जिंदगी चल खेलते हैं, तो फिर जिंदगी आपको उल्टा ललकार नहीं पाएगा। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि अगर आपका नाइन्थ बर्बाद था तो टेंथ बर्बाद होना जरूरी नहीं है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं मुद्दा कॉन्फिडेंस का और स्ट्रेस का। जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा, नाइन्थ में वो स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता नाइन्थ का, टेंथ का होता है। बेटा इस स्ट्रेस से टेंथ शुरू मत करना कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, नहीं। वही कॉन्फिडेंस, वही लेवल ऑफ स्ट्रेस मेंटेन रखते हुए टेंथ में आना है। आई अंडरस्टैंड ये कहना बहुत इजी है, बट ट्रस्ट मी ये करना भी बहुत इजी है, क्योंकि मैंने लाखों करोड़ों बच्चों करते हुए देखा है, मेरे साथ करते हुए देखा है। आपको बस एक काम करना है, आप कब स्ट्रेसफुल हो गए, आप कब आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ेगा, जब आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। और प्रिपरेशन कब शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो हम जब प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू करो, और जब सवाल के जवाब आएंगे, हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जब बोर्ड पेपर सॉल्व कर पाओगे, तब कौन आपका कॉन्फिडेंस खींच पाएगा, तब ऐसा कौन सा माहौल होगा जो आपको स्ट्रेस में डालेगा, कोई नहीं। तो कमेंट्स में जिंदगी को ललकार कर कहना आज जिंदगी चल खेलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल, अंटिल देन दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्माइल ऑन योर फेस। मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू आर न्यू। प्लीज़।